सो ही गाइज, मेरा नाम है आदर्श एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनदर सीरीज़ के आगे के एपिसोड्स एंड ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मत्सुनागा को याद आ जाता है कि उसने क्लू क्लासरूम में छोड़ा था एंड तभी फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सभी लोग को, वो सभी चिबिकी और मिस मिकामी से बात कर रहे होते हैं। फिर उनके सभी दोस्त लोग चले जाते हैं और कोइची और मिसाकी चिबिकी के साथ चले जाते हैं। चिबिकी उनको बताता है कि उस स्टूडेंट की डेथ तो पहले ही हो गई थी। चिबिकी बताता है कि डॉक्टर लोग ने उस स्टूडेंट की जांच की और जांच में ये पता चला कि वो स्टूडेंट जब समुंदर में गया था तभी उसकी डेथ हो गई थी। एंड फिर कोइची और मिसाकी भी घर चले जाते हैं। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं कोइची स्कूल की स्टेयर चढ़ रहा होता है, तभी एक एक करके वो सभी डेथ पर्सन कोइची के सामने आने लगते हैं। कोइची एक सपना देख रहा होता है और वो डर के मारे जाग जाता है। एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोइची अपने दो दोस्तों के साथ कैफे में बैठा होता है, जहाँ पे वो उनसे इसी इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। एंड फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल वो 3 बजे स्कूल जाएंगे एंड वो सर्च करेंगे उसी क्लू को। और कोइची इस बारे में और किसी को बताने से मना कर देता है क्योंकि वो और किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिर हम अगले दिन देखते हैं कोइची और उसका दोस्त स्कूल जाते हैं, वो अपने तीसरे साथी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से 2 स्टूडेंट गुजरती हैं एंड ये लोग ड्रामा क्लब से होते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि चिबिकी इनका फैकल्टी एडवाइज़र है। एंड फिर वो दोनों एक क्लासरूम में जाते हैं जहाँ पे मिसाकी पहले से बैठी हुई होती है। वो दोनों मिसाकी से पूछते हैं कि तुम आकर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ मिसाकी बोलती है कि बस मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए आई हूँ। एंड इतना ही में उनका तीसरा साथी आ जाता है एंड फिर वो तीनों को मिसाकी को भी शामिल करना पड़ता है। एंड फिर वो सभी लोग स्कूल की बंद क्लासों में क्लू को ढूंढने लगते हैं। एंड फिर तभी उस भंगार में से उनको एक अनमारी मिलती है जिसके अंदर से कोइची को कुछ मिलता है। उस पैकेट में लिखा होता है कि ये फ्यूचर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उस पैकेट के अंदर उनको एक कैसेट मिलती है। वो सभी लोग प्लेयर ढूंढ के उस कैसेट को सुनने लगते हैं कि मैं मत्सुनागा हूँ, grade 9 class 3 से मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं ये इसे क्लास में छुपा दूंगा। एंड फिर वो आगे बताता है कि हम लोग 8 अगस्त को ट्रिप पर गए थे 3 दिन 2 रातों के लिए। हमारे क्लास टीचर मिस्टर कोगा, उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि हमें योमियामा श्राइन के पास जाना चाहिए। उस मंदिर में प्रे करने से शायद ये श्राप हमसे हट जाए। उस ग्रुप में टोटल 22 स्टूडेंट थे। वो सभी लोग एक पहाड़ी से श्राइन तक पहुँचते हैं। वो जगह बहुत ही खंडर सी होती है और बहुत ही गंदी होती है, इसलिए सभी लोग उसको मिलकर साफ करते हैं। एंड प्रे करने के बाद उनके क्लास टीचर कहते हैं कि अब ये कर्ज अब हमसे हट चुका है, इसलिए अब तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी बहुत तेज वहाँ पानी गिरने लगता है, वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मासूमी बताता है कि मेरे आगे एक स्टूडेंट चला था, वो क्लास का डम स्टूडेंट था और उसे वो ही छतरी लाया हुआ था। एंड जब वो मेरे आगे चल रहा था तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है, वो बिजली सीधा उसके ऊपर आके गिर जाती है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। ये सब देख के सभी स्टूडेंट वहाँ पे बहुत डर जाते हैं और वो ब्लाइंडली भागने लगते हैं। और वहाँ पे एक स्टूडेंट भी होती है जो कि भागते भागते पहाड़ी से गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। एंड फिर मत्सुनागा वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगता है। एंड इतने में उस क्लास में एक टीचर आ जाते हैं एंड फिर उन सभी लोगों को छुपना पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में छुपने के कारण वो टेप खुल जाती है। एंड फिर वो स्टूडेंट उसे ठीक करवाने के लिए ले जाता है। एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोइची और उसके दोस्तों को स्कूल में जो 2 स्टूडेंट्स मिली थीं, उनमें से एक स्टूडेंट कार से कहीं जा रही होती है। उनकी कार के मिरर पे कुछ बहुत बड़ा सा गिरता है जिसके कारण कार अनबैलेंस होकर खाई के नीचे गिर जाती है एंड उसकी भी वहाँ मौत हो जाती है। एंड अगले ही पल हम देखते हैं कि जो दूसरी स्टूडेंट थी वो भी अपने घर जा रही होती है। एंड तभी ढलान में एक JCB रखा होता है, वो JCB के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो JCB सीधा उस घर में घुस जाता है। वो उसी स्टूडेंट का घर होता है और उसके भाई की मौत हो जाती है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सो एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अकाजावा गलती से गिर जाती है और तभी वहाँ कोइची आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे हाथ मिलाता है एंड तभी अकाजावा सो के उठ जाती है। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लास के सभी लोग उस ट्रिप पर आ जाते हैं एंड हर बार की तरह वो लोग भी ग्रुप फोटो लेते हैं। वो लोग वहाँ से एक लॉज में जाते हैं जो कि काफ़ी बड़ा होता है। उस लॉज के ओनर एक हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं। एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो कैसेट फिक्स हो चुकी है। कोइची और उसके दोस्त एक रूम में जाके वो कैसेट को सुनने लगते हैं। वो कैसेट स्टार्ट होती है एंड हम सुनते हैं मात्सुजुकी बताता है कि हम सभी लोग उस लॉज में आके रुक गए थे। एंड तभी लॉज के बाहर मेरी एक स्टूडेंट से आर्ग्यूमेंट हो जाती है और ये बहस लड़ाई में कब बदल गई पता ही नहीं चला। एंड वो स्टूडेंट गलती से मेरे हाथों गिर जाता है, वो एक ब्रांच के ऊपर गिर जाता है जिसके कारण वो ब्रांच उसके मुंह के आर पार हो जाती है और उस स्टूडेंट की मौत हो जाती है।
ये सारे हादसे होने के बाद हम लोग का स्कूल नॉर्मल चालू हो जाता है। एंड सिंस कोई भी हादसे नहीं हो रहे थे, जो कि बहुत ही अजीब था, इसलिए मैं उस जंगल में अगले दिन फिर से गया। एंड जिस स्टूडेंट को मैंने मारा था वो वहाँ से गायब हो गया था। एंड फिर उस स्टूडेंट के बारे में वो पता करता है, तो उस स्टूडेंट के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। एंड फिर वो स्टूडेंट के बारे में जब वो अपने क्लासमेट से बात करता है, तब वो लोग कहते हैं कि कौन, मैं नहीं जानता इसे, ट्रिप पर तो हम लोग सिर्फ 19 लोग गए थे। एंड तभी उसको समझ में आता है कि जिसे मैंने मारा वो एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट था। एंड उस स्टूडेंट के बारे में अब किसी को भी कुछ भी याद नहीं है, और बहुत जल्द मेरे दिमाग से भी ये बात इरेज हो जाएगी। मसुनागा ने उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट का नाम कई बार टेप में लिया, लेकिन उस फिनोमेना के कारण उसकी जो नेम वाला पार्ट है वो ब्लर हो गया। एंड मसुनागा भूल जाए उससे पहले वो ये टेप रिकॉर्ड करता है। एंड फिर वो बोलता है कि अगले साल के स्टूडेंट्स के लिए भी तुम लोग को ये रिकॉर्ड छोड़ना होगा, ताकि वो भी उस फिनोमेना का सामना कर सकें। एंड फिर वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट हमारे बीच है, और ये सब रोकने के लिए उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को मारना होगा। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं सभी स्टूडेंट डिनर कर रहे होते हैं, तभी आकाजावा सभी स्टूडेंट के सामने माफ़ी मांगती है कि वो काउंटर मेजर्स का काम सही से नहीं कर पाई। एंड फिर इस सब का दोष वो मिसाकी को देने लगती है, क्योंकि उसने नॉन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का रोल सही से नहीं निभाया। आकाजावा मिसाकी से सबसे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, जिसमें मिसाकी माफ़ी मांग लेती है। ये देखकर कोइची और उसके दोस्त बिल्कुल खुश नहीं होते। एंड तभी वो स्टूडेंट उठ के वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट के बारे में बताने लगता है। एंड तभी कोइची उसको रोक देता है। एंड तभी वहाँ क्लास के एक स्टूडेंट को अस्थमा का अटैक आता है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होता, इसलिए चिविकी अपनी कार में उस स्टूडेंट को लेके हॉस्पिटल जाता है। एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोइची मिसाकी के रूम में चला जाता है। मिसाकी उससे अपनी मॉम के ईयर की फ़ोटो दिखाने के लिए बोलती है, उसी स्कूल ग्रुप के साथ। मिसाकी अपना ऐपैच उतारती है और उस फोटो को ध्यान से देखती है। एंड फिर मिसाकी उस फोटो में उस साल के एक्स्ट्रा स्टूडेंट को देख लेती है, जो कि मिसाकी की डॉल वाली आई के कारण हो रहा होता है। एंड फिर मिसाकी कोइची की मॉम की और रेको की फ़ोटो देखने लगती है, जहां वो बताती है कि तुम्हारी मॉम और आंट बहुत ही सेम दिखती हैं। और फिर वो कोइची से कहती है कि मैंने तुमको बताया था कि मेरी लेफ्ट वाली डॉल आई मुझे कुछ बताती है, जो कलर मैं अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकती हूँ, वो कलर मैं इस आई की मदद से देख पाती हूँ, मतलब कि डेथ का कलर। मैं किसी को भी मरने से पहले, कोई जो मरने वाला हो या फिर मर चुका हो, मैं अपनी डॉल आई की मदद से उस इंसान को पहले ही देख सकती हूँ। फिर वो कहती है कि तुम्हारे अंदर मुझे वो डेथ का कलर नहीं दिखा, मतलब कि वो ह्यूमन डेथ तुम नहीं हो। फिर कोइची मिसाकी से पूछता है, क्या तुम्हें इस क्लास के एक्स्ट्रा स्टूडेंट के बारे में पता है? जिसमें मिसाकी कहती है, हाँ शायद मुझे पता है। एंड फिर वो मिसाकी उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट का नाम बताने ही वाली होती है, तभी उनके ग्रुप का एक दोस्त बहुत तेज़ नॉक करके आ जाता है। वो उन लोग से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने एक स्टूडेंट की जान ले ली होती है। एंड तभी एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सो एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं मिसाकी वो कोइची को वो उस डेथ इंसान का नाम बताने ही वाली होती है। इतने ही में वहाँ उनका क्लासमेट आ जाता है, काफ़ी डरा हुआ होता है। वो कोइची से पूछता है, क्या तुम लोग कजामी नाम के स्टूडेंट को जानते हो? जिसमें कोइची जवाब देता है कि हाँ, वो तो हमारी क्लास में है और वो क्लास ऑफिसर है। जिसमें वो स्टूडेंट और डर जाता है कि उसे लग रहा था कजामी ही वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, इसलिए वो उसके रूम में जाता है और उसे बहस करने लगता है। फिर वो स्टूडेंट कजामी को दूसरी मंजिल से फेंक देता है, बट मिसाकी और कोइची को याद होता है कि कजामी कौन है। अगर वो ह्यूमन डेथ होता तो शायद ये लोग भूल जाते। फिर कोइची कहता है कि क्या पता, शायद उसकी डेथ हुई ना हो, हमें जाके चेक करना चाहिए। फिर वो लोग नीचे जाते हैं, कोइची वहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो एक गेट खुलने की आवाज़ सुनता है, उस गेट की तरफ जाने लगता है। अभी एक माइशिमा नाम का स्टूडेंट कोइची का पैर पकड़ लेता है, बिल्कुल अधमरी हालत में होता है, उस पर किसी ने हमला किया होता है। फिर कोइची उस कमरे के पास जाके देखता है तो उस पूरे हॉल में आग लगी होती है, उस मैनेजर की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत की होती है। इतने में वह आकाजावा और उसके बाकी दोस्त जाते हैं, कोइची उनको इस बारे में बताता है। फिर वो स्टूडेंट भी कोइची को बताता है कि कजामी की डेथ हो चुकी है। इतने में आकाजावा के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो सभी लोग आकाजावा के रूम में जाते हैं, तभी उसके रूम में वो लोग देखते हैं कि पूरे में ब्लडी ब्लड होता है और उसकी रूममेट भी वहाँ से गायब होती है। इतने में कोइची का एक और दोस्त जिसके पास वो रिकॉर्डिंग होती है, वो टेप वहाँ से गायब हो जाता है, कोई उसको ले जाता है। फिर वो लोग मिस मिकामी को ढूंढते उनके रूम में जाते हैं, जहाँ पूरी गैलरी में खून ही खून होता है और मिस मिकामी भी अपने रूम में नहीं होती। तभी वो दो स्टूडेंट को आवाज़ आती है, वो लोग उस रूम में जाते हैं, तभी वो लोग वहाँ देखते हैं एक मॉन्स्टर बन गई है, उसके हाथ पे एक बहुत बड़ा सा नाइफ होता है।
एंड फिर हम देखते हैं कोइची मिसाकी और अकाजावा भी जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने टकाको आ जाती है जो कि अकाजावा की रूममेट होती है। टकाको मिसाकी पर रॉड से हमला करती है लेकिन कोइची उसको बचा लेता है एंड वो वहाँ से भाग जाती है। उसे इस टेप के बारे में पता होता है। कोइची अकाजावा से पूछता है तो अकाजावा बताती है कि काउंटर मेजर्स के कारण मैं उस रूम में गई थी जो कि कोइची के फ्रेंड का होता है और वहाँ टकाको भी थी। दोनों ने मिलकर टेप सुनी थी। फिर टकाको ने उस स्टूडेंट के रूम से वो टेप चुरा ली। फिर हम देखते हैं मैनेजर की वाइफ उन दोनों स्टूडेंट पे हमला कर देती है। उसमें एक स्टूडेंट का पैर घायल हो जाता है। वो दोनों वहाँ से किसी न किसी तरीके से भागने लगते हैं। एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं टकाको वो टेप माइक पे चला देती है जिससे सभी स्टूडेंट वो टेप सुन लेते हैं। एंड वो बोलती है कि इस साल की ह्यूमन डेथ मिसाकी है और इस क्लाइमेटी को रोकने के लिए हमें उसे मारना होगा। फिर सभी स्टूडेंट अपने रूम से हथियार लेके बाहर निकलते हैं मिसाकी को मारने। वो सारे स्टूडेंट मिसाकी को मारना चाहते हैं। इतने में वहाँ मिस मिकामी आ जाती है। एक स्टूडेंट मिसाकी पर हमला करता है लेकिन मिस मिकामी बीच में आ जाती है जिसके कारण उनके सर में गहरी चोट आ जाती है। कोइची मिसाकी को लेकर तुरंत एक रूम में चला जाता है। मिसाकी और कोइची विंडो के रास्ते से वहाँ से भागते हैं। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आ जाती है और वो मिसाकी पे हमला करती है और वो विंडो से नीचे गिर जाती है और यहाँ एक और स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। मिसाकी और कोइची स्टेयर्स पास पहुँचते हैं। इतने में हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि डाइनिंग रूम के पास जा रहे होते हैं। वो डाइनिंग रूम का गेट खोलते हैं और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो स्टूडेंट भी जल के मर जाता है। मिसाकी और कोइची की बिल्डिंग में थोड़ी सी टूट के गिरती है लेकिन वो लोग बच जाते हैं। तभी वहाँ टकाको आती है और वो कोइची पे हमला कर देती है एंड वो मिसाकी को मारने ही वाली होती है। तभी वो वायर्स में फंस के खुद ही मर जाती है। एंड तभी वहाँ अकाजावा भी आ जाती है। वो टकाको को डेथ देखती है और उसे लगता है कि मिसाकी ने उसकी जान ली है। एंड फिर मिसाकी बोलती है कि जब तक ये ह्यूमन डेथ ख़त्म नहीं होगा जब तक ऐसे ही होता रहेगा। वो वहाँ से भाग जाती है। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। सभी स्टूडेंट वहाँ से भाग रहे होते हैं और सभी बारी बारी मरने लगते हैं। फिर हम उन दोनों स्टूडेंट को देखते हैं। मैनेजर की वाइफ उस स्टूडेंट पे हमला करने ही वाली होती है। उतने ही वहाँ चिवी किया जाता है और उसे बचा लेता है। हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। चिवी की उन तीनों स्टूडेंट को बोलता है कि तुम लोग यहीं कार पास रहना और वो बाकी के स्टूडेंट को लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पे हम कोइची को देखते हैं। उसके सामने के स्टूडेंट डर के मारे भागती हुई आती है। तभी कजामी पीछे से उस पर हमला करता है जिससे उस स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। कजामी कोइची से कहता है कि मैंने तो बस मरने की एक्टिंग की थी, मैं मरा नहीं था। एंड कजामी को ऐसा लग रहा होता है कि कोइची असली में ह्यूमन डेथ है, मिसाकी नहीं। कजामी कोइची पे हमला करता है लेकिन तभी पीछे से अकाजावा आ जाती है और वो कजामी को मार देती है। अकाजावा दूसरी बार मारने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पे चिविकी आ जाता है। अकाजावा वहाँ से भाग जाती है। चिविकी कोइची को लेके बाहर आता है लेकिन कोइची मिसाकी को ढूंढने के लिए वापस अंदर चला जाता है। कोइची देखता है कि अकाजावा मिसाकी पे हमला कर रही होती है, वो मिसाकी को मारने ही वाली होती है। तभी कोइची उसको बचा लेता है लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं बचा पाता। अकाजावा अपना नेक्स्ट हमला करने ही वाली होती है। तभी बहुत ज़ोर से बिजली गिरती है जिसके कारण कांच टूट कर अकाजावा पे घुस जाते हैं एंड उसकी भी डेथ हो जाती है। एंड यहाँ पे हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ अकाजावा कोइची से हाथ मिला रही होती है। एंड मरने से पहले अकाजावा कोइची से पूछती है क्या तुम्हें याद आया। उसमें कोइची कहता है नहीं। तभी वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं कोइची मिसाकी को ढूंढते ढूंढते पीछे बैकयार्ड में आ जाता है। कोइची वहाँ आ जाता है एंड वो देखता है कि एक इंसान पेट के नीचे दबा हुआ है। मिसाकी कहती है कि यही वो ह्यूमन डेथ है, मैंने इसे कई बार नोटिस किया है। इतने में वो इंसान पेट के नीचे से निकलती है। कोइची शॉक हो जाता है। ह्यूमन डेथ कोई और नहीं, मिस मिकामी होती है या फिर हम रेको बोले तो गलत नहीं होगा। एंड फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जो फोर्थ रूल जो मिस मिकामी कोइची को बता रही होती है जो कि कोइची सुन नहीं पाता, वो ये था कि मेरी प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग है। मैं स्कूल में मिस मिकामी हूँ तो तुम मुझे रेको कह के मत बुलाना। कोइची ये जान के बहुत ही शौक हो जाता है। मिसाकी बोलती है कि जब मैं 8th grade में थी तब एक स्टूडेंट के हाथों मैंने मिस मिकामी को मरते हुए देखा था। असली मिस मिकामी की तो पिछले साल ही डेथ हो गई थी। मिसाकी कोइची को बताती है कि इस साल कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट था ही नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा टीचर था। स्टाफ रूम में एक एक्स्ट्रा डेस्क खाली हो गई थी। एंड ये सब जानने के बाद कोइची मिसाकी से एक्स लेता है और उस रेको को खुद ही मार देता है। एंड फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मिसाकी और कोइची के अलावा सब मिस मिकामी को भूल गए होते हैं। उस लॉज में टोटल 10 लोग की डेथ हुई होती है।
इंक्लूडिंग मैनेजर और उसकी वाइफ। एंड फिर कोएची और मिसाकी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वो लोग उस ग्रुप फोटो को देखते हैं एंड उसमें मिस मिकामी नहीं दिख रही होती। फिर हम देखते हैं कोएची और उसके फ्रेंड वो टेप रिकॉर्ड करके अगले साल के बच्चों के लिए रख देते हैं। गाइज यहाँ वीडियो होती है ख़त्म। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।